टेली में ट्रायल बैलेंस कैसे चेक किया जाता है? देखो, टैली में ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए विंडोज मेन्यू में या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाके टैली लिख के सर्च करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तब पर भी खुल जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे अगर यदि इसका आइकॉन बना रहे तब पर भी इसको खोल सकते हैं। अगर यदि आइकॉन नहीं बना रहे तब हम यहाँ टैली लिख के सर्च करेंगे और इस पर इंटर प्रेस कर देंगे, ये खुल जाएगा। कुछ देर के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग लेगा ओपन होने के लिए, और ये कुछ ही देर बाद खुल जाएगा। इसमें हमें जाना है एजुकेशन मोड में, क्योंकि अभी हम क्या है एजुकेशन सिर्फ सीखने के लिए इस टैली का सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। अगर यदि हम इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए उपयोग करते तो ये लाइसेंस वगैरह एक्टिवेट करके हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अभी हम क्या है सिर्फ सीखने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एजुकेशन मोड में चले जाएंगे। माउस के माध्यम से जा सकते हैं या फिर एरो की माध्यम से जा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट हम लोग अल्ट प्लस डब्लू प्रेस करेंगे, ये हमारा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा एजुकेशनल मोड में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, कंपनी सेलेक्ट करना है। अगर यदि बाय डिफॉल्ट हमारा सी ड्राइव में कंपनी सेलेक्ट बना हुआ रहता है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर यदि कंप्यूटर के सी ड्राइव में ना होकर किसी दूसरे ड्राइव में टैली का हम अगर यदि उसका कंपनी बनाए तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे पूछेगा, सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है पाथ, जो हमारा है कंप्यूटर के ड्राइव का नाम। तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में हमारा कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनीज ऑन डिस्क लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, अब जिस ड्राइव में हम कंपनी का नाम लिखे हुए हैं बनाए हुए हैं उस कंपनी उस ड्राइव को हम ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस का की प्रेस करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा पाथ पे। यहाँ पे क्या करेंगे हम उस ड्राइव का नाम लिखेंगे, तो हम लिखते हैं हमने क्या किया है इस कंप्यूटर में ई ड्राइव में टैली नाम के सॉफ्टवेयर को उसकी फाइल बनाई है, तो हम यहाँ पे उसकी ड्राइव का नाम लिखते हैं और लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने सनशाइन क्लासेस जेरेडी एक कंपनी हमने क्रिएट किया है जो हमारे सामने दिख रहा है, बस इसी के ऊपर हम इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारी कंपनी ओपन होगी। अब हम देखते हैं कि जितने भी हमने एंट्री किए उसकी ट्रायल बैलेंस को देखना है। क्वेश्चन यही था हमारा कि हम अपने कंपनी में जो भी वर्क कर रहे हैं उसका ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करना है। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए देखिए इसी में हम यहाँ पे देखेंगे एक रिपोर्ट आता है जिसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले, इसकी शॉर्टकट की हम अपन लोग अपना सकते हैं डी भी अपना सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं डी। जैसे ही डी प्रेस किए देखिए आपके सामने डिस्प्ले मेन्यू दिखता होगा। डिस्प्ले मेन्यू दिखने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, डेबू दिख रहा है, अकाउंट बुक दिख रहा है, जिसमें सारे में इसमें क्या है डिस्प्ले मेन्यू में सारे दिखाने का काम करता है, लेकिन अभी हमको फिलहाल क्वेश्चन था कि ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करते हैं। तो देखिए इसका शॉर्टकट है ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए, वनली टी प्रेस करेंगे तब पर भी दिखा देगा, या फिर हम क्या करेंगे माउस के कर्सर को ले जाके उस पर क्लिक करेंगे तब पर भी दिखाएगा, हम शॉर्टकट अपनाते हैं वनली टी प्रेस करके। तो देखिए ये हमारे सामने खुल के हमारे जितने भी एंट्री किए हैं उसकी ट्रायल बैलेंस हमारे सामने दिख रहा है। इसको अगर यदि हम डिटेल्स वाइज देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम माउस के कर्सर ले जाके इस पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं अल्ट प्लस F1, और ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस पूरी डिटेल्स के साथ पूरी एंट्री के साथ हमारे दिखा रहा है कि हमने क्या क्या एंट्री की है, AC खरीदी है, कंप्यूटर खरीदी है, फिक्स्ड असेट है, करेंट लाइबिलिटीज है, करेंट असेट है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारी पूरी एंट्री की ट्रायल बैलेंस हो गई, ठीक है।